कोरोना वायरस भारत सहित पूरे विश्व में फैल चुका है, इसे लेकर भ्रम में न रहे और ना ही बिना किसी चिकित्सक से परामर्श लिए बिना कोई उपचार करें। इस बीमारी के बारे में हम आपके लिए हमारे चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथी भोपाल के ब्यूरो हेड ताहिर खान ने भोपाल के प्रसिद्ध मोदी हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर राजीव मोदी, जो MBBS होने के साथ साथ क्रिटिकल केस के स्पेशलिस्ट भी हैं, उनसे पूरी चर्चा की गई। तो देखिए पूरी रिपोर्ट। ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो भारत में बहुत तेजी से फैल रही है, उसका नाम है कोरोना वायरस। ये बीमारी क्या है, क्या लक्षण हैं इसके, और इसको हम किस तरीके से सावधानी बरत के इसका हम इलाज कर सकते हैं, तो आज हम इस बीमारी के बारे में बात करेंगे हमारे भोपाल के प्रख्यात डॉक्टर राजीव मोदी जी से। तो सर, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे, जैसा कि भारत में आप देख ही रहे हैं कि एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम है कोरोना वायरस, जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये बीमारी क्या है, क्या इसके लक्षण हैं और किस तरीके से इसको हम छोटी सी सावधानी बरतते हुए घर पे ही, ऐसे कुछ आप हमें नुस्खे बताइए, ऐसा बताइए जिससे हम इस बीमारी को फैलने से हम रोक सकते हैं। ये कोरोना वायरस से संबंधित जो बीमारी है, वो जिस तरह से हमें हर साल जब मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी का मौसम आता है, और उसमें जो सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी होती है, लगभग उसी तरह के लक्षणों से ये बीमारी होती है। और वायरस का जो प्रकार है वो कुछ अलग है, और उसकी प्रकृति कुछ ऐसी है कि अगर ये बीमारी गंभीर हो जाए तो इसके खतरे बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें जो निमोनिया हो जाता है कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में, तो उसमें जान का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। और इस मौसम में जो ये बीमारी शुरू हुई है कोरोना वायरस की, ये चीन से शुरू हुई है, और जिस तरह से हम लोग देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में ये बीमारी फैल चुकी है, और विकसित कहे जाने वाले जो देश हैं वो भी इस बीमारी पर लगाम लगाने में, इसका इलाज करने में, अपनी जो मरीजों की जान बचाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी गंभीरता का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि विकसित देशों में जब ये हालत है, और हमारे जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में अगर ये बीमारी फैलेगी, तो हम बीमारी होने के बाद इलाज में हो सकता है कि उतना सक्षम ना हो, तो इसलिए इस बीमारी की रोकथाम ही बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर बीमारी के बारे में कहा जाता है, एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, किसी भी बीमारी का जो बचाव है वो इसके इलाज से बेहतर होता है, लेकिन इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर और लक्षण, सबसे बड़ी परेशानी इस बीमारी के साथ क्या है कि एक इस वायरस से संक्रमित होने के बाद करीब 14 दिनों तक इस बीमारी का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता, लेकिन उन 14 दिनों में भी संक्रमित व्यक्ति उस वायरस से दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है, अपने परिवार में, अपने मिलने वाले में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पर, जिन लोगों से भी संपर्क में आता है, उन 14 दिनों के दौरान वो व्यक्ति दूसरे लोगों को इस वायरस से संक्रमित कर सकता है। और 14 दिन बाद भी जब लक्षण प्रकट होते हैं, तो सामान्य सर्दी जुकाम बुखार वाले, सर्दी जुकाम बुखार, खांसी, गले में दर्द, गले में खराश, ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। और ख़ास तौर से ऐसे व्यक्ति जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, किडनी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, दमा की बीमारी है, या जो 60-65 साल से ऊपर की उम्र हैं, जिनकी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, उनमें इस बीमारी के गंभीर लक्षण जैसे कि सांस लेने में परेशानी होना, फिर आगे निमोनिया हो जाना, मतलब ये वायरस जब गले से नीचे फेफड़े की तरफ जाता है तो फेफड़े को नष्ट करना शुरू कर देता है, सांस लेने में परेशानी होती है, ऑक्सीजन की शरीर में कमी होती है, ऑक्सीजन बाहर से देनी पड़ती है, और गंभीर स्थिति होने पर मरीज को वेंटिलेटर लगाना पड़ता है, और अगर
उसके बाद अगर वो बीमारी ठीक नहीं होती तो धीरे धीरे फिर मरीज की मृत्यु हो जाती है। हमने सुना है कि जैसे कि कुछ लोगों से हमने सुना है कि ये जो बीमारी होती है, जो वायरस होता है, ये गाड़ी के अंदर भी होता है या घर के अंदर भी आसानी से आ जाता है या किसी के छूने से आ जाता है या कपड़ों में आ जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये बीमारी जिस मरीज को इस वायरस का संक्रमण है उसके खांसने से, उसके छींकने से और हो सकता है उससे, तो इसीलिए इस बीमारी से बचने के लिए जो अभी जनता कर्फ्यू या कर्फ्यू लगाने की बात की गई है उसका उद्देश्य यही है कि हम जो संक्रमित व्यक्ति है, जो संभावित संक्रमित व्यक्ति है, संदिग्ध है, उनसे अपन दूर रहें। और मेरा ये मानना है कि जो संदिग्ध व्यक्ति है, जो खुद बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं या ऐसे शहरों से आए हैं जो जहां संक्रमण ज़्यादा फैला हुआ है, उनकी जिम्मेदारी ये ज़्यादा बनती है कि जब वो अपने आप को 14 दिन तक सबसे पहले तो आइसोलेट करके रखें, क्वारंटाइन में रखें, और जैसे ही कोई लक्षण आता है तो वो अपने मुँह और नाक को ढक कर रखें, जिससे कि वो बीमारी उनके परिवार में, उनके समाज में किसी और को न लगे। जल्दी से जल्दी वो अपना चेकअप कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, है ना, और जिससे कि उनका जांच करी जा सके। बिना जांच के ये नहीं बताया जा सकता कि उस बीमारी के जो लक्षण हैं वो कोरोना वायरस की वजह से हैं या और किसी सामान्य वायरस की वजह से हैं। किस जांच से ये पता लगता है कि भाई व्यक्ति को कोरोना वायरस है? मरीज के नाक का और पीछे गले का एक स्वैब लिया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है, और अपने भोपाल में, एम्स भोपाल में वो जांच हो रही है, उसकी जांच से ही पता चलता है, कंफर्म होता है कि वो कोरोना वायरस की वजह से है। और इससे बचाव के लिए मुंह और नाक को कवर करके रखना, बार बार हाथ धोना साबुन से या एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से, और यही इसके उपाय हैं मेन। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे भाई, जो अभी कर्फ्यू लगाया गया था मोदी जी ने, जो अभी पब्लिक कर्फ्यू लगाया था, उससे पब्लिक को कितना फ़ायदा होगा? मेरा संदेश ये रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि आम जनता इस बीमारी की गंभीरता को समझे, मजाक में न ले। कल प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनता कर्फ्यू तो लगाया गया, लेकिन 5 बजे बहुत से लोगों ने क्या किया कि सड़क पर निकल आए, गलियों में निकल आए, जुलूस निकाला, उसका पूरा उद्देश्य समाप्त हो गया। तो इसके जो है, आपने बताया कि भाई आपने इसकी सावधानियां भी बताई हमें, और आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कि भाई किस तरीके से हमें घर पे ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे हम इस बीमारी से बचा जा सके? ये बीमारी अगर हम घर के अंदर रहेंगे तो अपने आप घर के अंदर वायरस आने वाला नहीं है, हमारे संपर्क में ही जो लोग आते हैं हम उनसे संभल के रहें और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, 1 मीटर की दूरी, और जिसको खास तौर से सर्दी खांसी है वो खुद जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने मुंह और नाक को कवर करके रखे किसी मास्क से या कपड़े से, और सामने वाला व्यक्ति भी, उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी ये सावधानी बरते कि अपने मुंह नाक को कवर करके रखे। घर में अपन रहेंगे तो ये वायरस अपने आप घर में आने वाला नहीं है, उसका उद्देश्य ही यही है, ये अपने आप घर में आने, उड़ के अपने आप घर में आने वाला नहीं है ये वायरस। और एक और संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि इस भरोसे में ना रहें कि बहुत जल्दी इसका, इस बीमारी का कोई इलाज आ जाएगा। प्रयोगात्मक कुछ दवाएँ हैं, प्रयोगात्मक किसी ने कुछ दवाएं दी हैं, वो मरीज उस दवाइयों से ठीक हुआ है या अपने आप ठीक हुआ है कहना थोड़ा मुश्किल है। जो दवाएं हमारे देश में उपलब्ध हैं वो विकसित देशों, अमेरिका, इटली जैसे देशों में भी उपलब्ध हैं, वहाँ मरीजों की जो हालत है, वहाँ स्वास्थ्य की जो हालत है और अपने देश में जो स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत है, उसमें काफ़ी अंतर है। इस बीमारी का केवल बचाव ही नहीं, इलाज से बचाव ही बेहतर नहीं, बचाव ही एकमात्र तरीका है। अभी आज की तारीख में और आगे आने वाले 15-20 दिन, 1 महीने में तो यही मान के चलें, इस बीमारी का कोई टीका या वैक्सीन
इतनी जल्दी नहीं बनने वाला, काम चल रहा है, उसमें कुछ महीने लगेंगे और दवाइयाँ भी, उसमें भी कुछ समय लगेगा। तो बचाव ही एकमात्र रास्ता है, इस महामारी से बचना है अपने को, पूरे समाज को, देश को, अपने परिवार को, स्वयं को बचाना है, तो इस बीमारी से बचाव ही एकमात्र रास्ता है। किस एज फैक्टर के लिए ये घातक है बीमारी? 60 से ऊपर की उम्र वाले लोग खास तौर से, क्योंकि उम्र की वजह से कुछ इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, कुछ बीमारियां लग जाती हैं, और 60 से नीचे वाली उम्र के लोग भी जिन्हें कोई विशेष बीमारी है, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, पटना में एक 38 साल के व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसे किडनी की बीमारी थी, तो कम उम्र के लोग भी जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारी है, जिनकी इम्यूनिटी किसी वजह से कम है, उन्हें कोई बीमारी है, शुगर की बीमारी है, दमे की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो साथ में ऐसी कोई बीमारी है तो खतरा बढ़ जाता है। तो आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर राजीव मोदी जी से, जिन्होंने हमें कोरोना वायरस के बारे में बताया कि ये बीमारी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इसको हम किस तरीके से घर के छोटे उपायों से हम इस बीमारी को बचा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मैं ताहिर खान, SW24 न्यूज़ भोपाल से, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।